कि आप लोगों को पता है कि आई हैव डन माई होटल मैनेजमेंट फ्रॉम हैदराबाद, तो बहुत सारे होटेलियर्स हैं जो कि आप लोग देख रहे होंगे और जो देखते हुए आ रहे हैं। तो मोस्टली जो न्यू फ्रेशर्स होते हैं उन लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि भाई हम होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, तो क्या हम एज अ फ्रेशर बाहर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो? तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल ऑनलाइन लेडीज एंड जेंटलमैन। होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल गाइस। तो देखो, मैं कुवैत में 4.5 साल 5 साल रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो थोड़ा सा बता देता हूँ अपने बारे में कि होटल मैनेजमेंट हैदराबाद से किया है। 4.5 साल मैंने कुवैत में काम किया, उससे पहले बहरीन में भी काम किया, इंडिया में भी काम किया है मैंने, तो मुझे सब कुछ पता है इंडिया में कैसा काम होता है, कुवैत में बाहर कैसे काम होते हैं। ठीक है, हर कंट्रीज़ का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, बट मुझे कुवैत का, तो मैं कुवैत के बारे में बात करूँगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि आप वीडियो देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। कुछ भी क्वेरी है यू कैन डी एम मी ऑन इंस्टाग्राम, आई ऑलवेज रिप्लाई जब भी मैं फ्री होता हूँ। सो क्वेश्चन ये आता है कि हम डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं, अगर हम फ्रेशर हैं तो क्या हम कुवैत जा सकते हैं या आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब जहाँ एडवांटेज है तो वहाँ डिसएडवांटेज भी ज़रूर होता है, राइट? सो एडवांटेज तो यही है कि भैया आपने डिप्लोमा डिग्री की है तो ऑब्वियसली डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स को जल्दी ले लेते हैं। लेकिन अगर देखो आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, गाइस मैंने भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है, आप भी शायद कर रहे होंगे, आपने कर ली होगी या करने वाले होंगे। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज़ डिफरेंट पार्ट, आपको एक्चुअली और जो रियल जो लाइफ का जो फेस करना पड़ता है ना, वो तभी होता है जब आप जॉब करते हो। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वो सब, मतलब मैं उस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता। ठीक है, थोड़ा सा पता लग जाता है क्या चीज़ क्या होती है, लेकिन असली सच्चाई ज़िंदगी की तब निकल के आती है जब एक जॉब करते हो आप। इंडिया में जॉब करना और बाहर जॉब करना ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे डिफरेंसेज है और बहुत सारी वीडियोज़ मैं लेके आने वाला हूँ। लेकिन मैं अभी सिर्फ यहाँ पे ये बात करूँगा कि अप्लाई कर सकते हो नहीं, अप्लाई कर सकते हो लेकिन डिसएडवांटेज सिंपल सा है, छोटी वीडियो बनाएंगे। ये है कि देखो, अगर आपने इंडिया में काम किया होगा, मैं तो यही कहूँगा कि एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस ले लो, इनफ है 1 साल का। तो 1 साल में किसी अच्छी प्रॉपर्टी, डिपेंड करता है आपकी रेस्टोरेंट में जाना है, होटल्स में जाना है, वो आप डिसाइड करो। ठीक है जी, इसके ऊपर भी हम एक फुल डिटेल में वीडियो बना देंगे, होटल वर्सेस रेस्टोरेंट करके, वो आप डिसाइड करो होटल्स में जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है। लेकिन अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ओके, बेसिक चीज़ें ही होती है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे मत जाइएगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में फिर से कह रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में बहुत ही अलग होता है जॉब, एक अलग ही रोल होता है, यू नो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जब आप एक जॉब कर रहे होते हो। सो 1 साल में आप काफ़ी कुछ बेसिक चीज़ें सीख जाओगे। अगर आप वो 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं लोगे, सीधा डायरेक्टली कुवैत चले जाते हो ना, कुवैत चले जाते हो, तो वहाँ पे थोड़ी छोटी चीज़ें अलग हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ओके बहुत ही अलग है कि प्लेट को यहाँ से उठाना वहाँ से उठाना, ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें अलग है। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी और अगर आप यू नो कर रहे होगे, किसी की सर्विस कर रहे होगे एग्जांपल, या खाना बना रहे होगे, अगर आप शेफ़ हो या सर्वर हो, ठीक है, तो उसमें फिर क्या है ना, लोग आपको जज करते हैं, जो आपको मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, कि भाई वैसे तूने डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री की हुई है और तेरे को कुछ आता नहीं है। तो वो बेसिक चीज़ अगर आपको पता होगी ना, तो वहाँ पे आपके नंबर बन सकते हैं। ये मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक्सपीरियंस होता नहीं है और फिर उनको हर चीज़ बच्चे की तरह सिखाई जाती है, तो वो चीज़ आपके इम्पैक्ट गलत कर देती है आपके पूरे ऑल ओवर यूनियन आप उसके ऊपर। जहाँ पे आपके प्रमोशंस की बात होती है तो प्रमोशन होना बहुत ज़्यादा कम होता है, फिर बोलते हैं कि भाई इसको तो कुछ काम आता नहीं, इसको हर चीज़ बतानी पड़ती है, बेटर। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है पूरा, यू नो, काफ़ी लोगों के बीच में रह के, कि काफ़ी लोग नए नए आते हैं लेकिन उनको फिर बताना पड़ता है कि भाई ये चीज़ ऐसे करो, वैसे करो, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, तो उससे क्या है, हर कोई आपको वहाँ पे सिखाने नहीं आएगा, वहाँ पे सिर्फ आपको जज करेंगे कि भाई ये बंदा कैसे काम कर रहा है। जो लोग बाहर हो रहे होंगे, तो प्लीज़ अगर आप, इफ़ यू आर एग्री विद दिस पॉइंट, तो कमेंट डाउन बोलो कि इज इट ट्रू और रॉन्ग। सो ये गाइस, ये सच्चाई है, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, तो इस बेटर कि आप एक्सपीरियंस लो थोड़ा सा 1 साल का, तो आपको पता लग जाएगी बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, फिर बाहर जाके आपको इतना सर्वाइव नहीं करना पड़ेगा। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आपको कुछ पूछना है, कैन DM और इंस्टाग्राम यहाँ पे पूछ सकते हो, और कुछ क्वेरीज हो डेफिनेटली फील फ्री टू आस्क मी। आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, जय।